आर्मीज हम सब जानते हैं कि जिमिन बीटीएस के बहुत ही सपोर्टिव मेंबर और फ्रेंड है, जो कि अदर बीटीएस मेंबर्स के सोलो एक्टिविटीज में उनके साथ होते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। जैसा कि वो जेहोप को सपोर्ट करने के लिए 2022 में लोलापालूजा म्यूजिक फेस्टिवल में भी गए थे। इतना ही नहीं तो जब शुगा का सियोल में कॉन्सर्ट था, उस वक्त भी वो वी और जंगकुक के साथ शुगा को चीयर करने के लिए गए थे। हालांकि अब ये न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि जिमिन जंगकुक को सपोर्ट करने के लिए न्यूयॉर्क गए है। तो आर्मीज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिमिन 13 जुलाई को इंचियोन एयरपोर्ट पर न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल गए। उन्होंने उन फैंस और रिपोर्टर्स का अभिवादन किया जो उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। वो न्यूयॉर्क किसी अननोन प्रोग्राम के लिए गए हैं। हालांकि जिमिन के प्रोग्राम के बारे में कोई भी अपडेट पब्लिकली नहीं बताई गई है, लेकिन आर्मीज का मानना है कि जिमिन जंगकुक से मिलने के लिए न्यूयॉर्क गए हैं, क्योंकि जंगकुक 14 जुलाई को गुड मॉर्निंग अमेरिका की समर कॉन्सर्ट सीरीज में परफॉर्म करने वाले हैं। इसीलिए आर्मीज को लगता है कि जिमिन जंगकुक को सपोर्ट करने के लिए गुड मॉर्निंग अमेरिका के कॉन्सर्ट में आ सकते हैं। हालांकि इसके बारे में बिगिट ने कोई भी जानकारी नहीं दी है और ना ही जिमिन ने यह कंफर्म किया है कि वो जंगकुक से मिलेंगे या फिर उनके कॉन्सर्ट में जाएंगे। तो आर्मीज, आपको जंगकुक का सोलो सॉन्ग 7 कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ जाइए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।